सभी अभ्यर्थियों को आंसर की तो सभी ने 23, 24, 25 तारीख वालों ने अपनी मैच कर ली होगी। और देखा जाए तो सभी के नंबर 10 से 15, किसी के 12, किसी के 8, किसी के 20, ऐसे नंबर कम हो रहे हैं। क्योंकि वहाँ आपने जो कोचिंग वालों के आपने आंसर की मैच की थी, वहाँ में बहुत डिफरेंस हो, वो लोग अब अपने आंसर से बदले जा रहे हैं, क्योंकि वो बोर्ड के आंसर देख लिए तो अब उनके शब्द बदल गए। तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जब फाइनल आंसर की आएगी तो उस पर आपके भी जो 2-4 क्वेश्चन आपके डाउट हैं जिन पर बोर्ड ने गलत जवाब दिया, जब आप उस पर आपत्ति दर्ज करेंगे तो वो चीज़ें आपकी सही हो जाएंगी। तो उसके लिए परेशान होते हैं, जो प्रश्न गलत हैं डबल ऑप्शन है तो उसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं हो। और फुल मार्क्स सबको मिलेंगे, ऐसा नहीं कि जो नहीं किया होगा उसको नहीं मिले, सबको मिलने वाला है, ठीक है। अब इस पर देखा जाए तो लोगों के अच्छे खासे नंबर कम हो रहे हैं। अब यहाँ से सबका एक लेवल समझ में आ गया कि अब सबके लेवल निकल गया है। जो 110 बता रहे थे, किसी के 110 नहीं रह गए हैं। मेरे हिसाब से मेरे बहुत लोग जुड़े हैं, मेरे पास बहुत से मैसेज हो, मैं व्यक्तिगत रूप से मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिनके मैसेज आते हैं। तो मुझे पता है यहाँ 220 प्लस वाले मुझे 2-4 स्टूडेंट मिले हैं, नहीं तो बाकी सब उसके अंदर ही अंदर है। तो इसका मतलब है आपकी कट ऑफ कम जाने वाली है, क्योंकि लोग जो बहुत हवाई में जो बता रहे थे मेरे 230 हैं, वो 180 अब पे आके लटक गए हैं। तो ऐसा नहीं, बहुत लोग फर्जी आपको डाटा बता दें केवल आपको भ्रमित करने के लिए। वो इसलिए आपको भ्रमित कर रहे थे कि आप रनिंग की तैयारी ना करो, क्योंकि अभी इस वीडियो में बहुत से कमेंट कर देंगे कट ऑफ 220 जाएगी 200, तो भाई करने दो, ठीक है। ये लोग क्या होते हैं कि आप अगर 100 में जाएंगे तो एक दो आपको भ्रमित करने वाले मिलेंगे। उनका काम क्या है, ये खुद रनिंग कर रहे हैं, केवल दूसरों को डिस्टर्ब कर रहे हैं ताकि मैं अपना आप सेफ रहूँ, ये लोग रनिंग में फेल जाए। क्योंकि फिजिकल में अचानक जब बुलाया जाएगा तो इतना आसान नहीं होता, रनिंग कम से कम आपको 2 से 2.5 महीना लगेगा तैयार करने में, जो पहली बार तैयार करेगा, इतना आसान नहीं होता। और देखो पेपर आपका हार्ड आया है तो आपकी कट ऑफ भी तो कम जाएगी, क्यों परेशान हो। देखो आपने जो छोटी छोटी गलतियाँ की, अब आपको फाइनल आंसर की में समझ, इस आंसर की में समझ में आया कि हाँ मैंने छोटी छोटी जो गलतियाँ की वो गलती आपके भारी पड़ती है। अगर कहीं आप मेरिट से आउट होते तो आपका यही कारण होगा कि आपने जो सिली मिस्टेक की, आते हुए प्रश्न आपने गलत किए, वो आप पर भारी पड़ सकते हैं, ठीक है। और देखा जाए तो जैसे 2018 में आपकी बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं गई थी, 49,568 भर्ती की मैं बात कर रहा हूँ, तो उसी भर्ती के कट ऑफ जो है, इस भर्ती के कट ऑफ मुझे लग रहा है 10 से 15 नंबर, इससे ज़्यादा फाइनल कट ऑफ में डिफरेंस नहीं हुआ, वो नॉर्मलाइजेशन की कट ऑफ थी, सोच सकते हैं। बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आप व्यूज़ के लिए जो है थोड़ा कम कट ऑफ बता रहे हैं। देखो ऐसा नहीं, आप लोग का भरोसा है तभी आप वीडियो देखते नहीं, भरोसा ना हो तो आप वीडियो नहीं देखेंगे। आप मेरे पास व्यक्तिगत मैसेज करते हैं, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ, भले ही थोड़ा लेट मिले लेकिन रिप्लाई सबका देता हूँ, ठीक है। आपके लिए मैंने जो हेल्प किया है वो आपको आज तक किसी ने नहीं किया होगा, आप खुद अपने पे हाथ रख के बोलिएगा जो मैंने आपके साथ किया वो अब तक किसी ने आपको किया, कि वो चीज़ें लोग पैसा लेके करते हैं, मैं फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा विश्वास करना सीखो जो पहली बार आया। एक चीज़ और आपसे कह रहा हूँ, तो भाई विश्वास करते हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मैं बार बार किसी से कभी नहीं कहता हूँ, तो आज कह रहा हूँ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेशन सही चीज़ें आपको देंगे, आपको राज नहीं बताऊँगा, जो चीज़ होगा क्लियर बताऊँगा, घुमा फिरा के नहीं बताऊँगा क्या कट ऑफ जाने वाली है क्या नहीं। और बाकी जिनके भाई नंबर कम है, जो मैं कट ऑफ बताऊँगा उससे कम है, वो भाई नेक्स्ट प्रिपरेशन की तैयारी कर दें, क्योंकि नेक्स्ट वैकेंसी आपकी NTPC SSCD ये सारी वैकेंसी आपकी आ गई रेलवे में, तो उसकी भी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। और जिनके भी थोड़ा बहुत कम भी हैं जो कट ऑफ पे जा रहे हैं, वो भी रनिंग के साथ अपना तैयारी करते रहें, ठीक है। अभी जैसे जिनकी SSCD में आपका एज है, वो SSCD की तैयारी करें। SSCD के लिए मैं आपको कुछ बुक्स सजेस्ट कर रहा हूँ, उन बुक्स को आप पढ़ के SSCD का एग्जाम निकाल सकते हैं, क्योंकि बुक्स में प्रीवियस ईयर का सबसे बड़ा बोलबाला होता है। अगर आप बुक्स को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप सिलेक्शन ले लेते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर से ही आपके रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, देखने को मिलते हैं एग्जाम में। SSCD के लिए बेस्ट बुक की बात करें जो कि आपके चच्चू प्रकाशन की है, इसमें आपको हिंदी में जैसे 600 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर का पूरा कलेक्शन है, 24, 23, 21 और 19 का पूरे चैप्टर वाइज आपको क्वेश्चन दिए किस चैप्टर में कौन से क्वेश्चन हैं। उसके बाद इनकी रीजनिंग की बुक आती है जिसमें आपको 750 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूरा आपका प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है, सारी चीज़ें आपको एकदम चैप्टर वाइज आपको इसमें दी गई हैं। उसके बाद बात करें आपके सामान्य ज्ञान की, लगभग आपको 750 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 24, 23, 21 और 19 के सारे प्रीवियस ईयर का कलेक्शन, ये सारी चीज़ें आपको व्याख्या तौर पे एकदम सोल्यूशन दिया गया। उसके बाद बात करें मैथ की, तो मैथ में भी आपके 750 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्लस चैप्टर वाइज आपके 24 और 23 के प्रीवियस ईयर का कलेक्शन है, तो सारे क्वेश्चन आपको एकदम विस्तृत तरीके से सोल्यूशन आपको व्याख्या दी गई है। अपनी तैयारी को बेहतरीन बनाना चाहते हैं तो आप इन किताबों को परचेस करते हैं, क्योंकि ऑफलाइन किताबों पढ़ने के अलग ही होता है। तो ये किताबें आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा और अपने नज़दीकी स्टोर में भी जाकर इसको आप खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं आपके कट ऑफ की। देखो कट ऑफ मैंने आपको बहुत पहले वीडियो डाला था, उसमें मैंने आपको एक कट ऑफ बताया था 205 के समथिंग प्लस माइनस हो वाली, वो कट ऑफ आपकी फाइनल कट ऑफ थी, इससे ऊपर आपके कट ऑफ नहीं जाने वाले। लेकिन इस बार आपके आंसर की में नंबर कम है तो वो कट ऑफ आपकी रहेगी, लेकिन इतने नंबर आ गए और आपके आंसर की में भी आ रहे हैं
तो आप फिजिकल की तैयारी शुरू करते हैं। बाकी आपकी कट ऑफ 210 के ऊपर नहीं जाने वाली, ठीक है। इतने नंबर जिसके मैं बता रहा हूँ, अगर आपके इस कैटेगरी के अनुसार आपके नंबर आ रहे हैं तो भाई आप बिना कुछ सोचे समझे कमेंट बिना किए आप दौड़ना शुरू कर दो, ठीक है। और बाकी कुछ भी डाउट रहते हैं व्यक्तिगत तो मेरे पास पर्सनल टेलीग्राम पर मैसेज करें, इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर ले, आप वहाँ मुझे मैसेज करेंगे, आपको समय रहते मुझे आपको जवाब दे दूँगा 2-4-6 घंटे जब समय मिलेगा, ठीक है। बाकी जो बता रहा हूँ, अगर आपके फिजिकल में के लिए आपके इतने नंबर हैं आप दौड़ना शुरू कर दो, ठीक है। बाकी आपको भरोसा नहीं है, जिस पे भरोसा आप उसके अनुसार दौड़ना शुरू, लेकिन दौड़ की तैयारी शुरू कर दो। 1,80,000 अभ्यर्थी कम नहीं होते हैं रनिंग के लिए, और रनिंग में अच्छे अच्छे फेल हो जाती है क्योंकि पढ़ाई से ज़्यादा आपको रनिंग में मेहनत लगती है। और ये मत सोचना कि नाम नहीं आया तो रनिंग बेइज्जती होगी, देखो रनिंग आपको कभी भी सेहत के लिए आपको नुकसान नहीं दें। रनिंग आप दौड़ेंगे तो आपके फिजिकली आप फिट रहेंगे, आपको कोई बीमारी नहीं आएगी, ठीक है। और रनिंग में आपको 2 महीना चाहिए, जब आप सोच रहे हैं कि कट ऑफ जब आ जाएगी तब मैं दौड़ना शुरू करूँगा तो 15 दिन से ज़्यादा आपको टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कट ऑफ की बात करें जनरल में मेल अभ्यर्थियों में 195 में से 200 के बीच में अगर आपके नंबर बन रहे हैं आप दौड़ना शुरू कर दें। और वहीं EWS की बात करें 183 से 188 के बीच में आपके नंबर हैं आप दौड़ना शुरू कर दें। OBC में 185 से 190 के बीच में आप दौड़ना शुरू कर दें। और SC में 160 से 165 है आप दौड़ना शुरू कर दें। और ST में आपके 130 से 135 है आप दौड़ना शुरू कर दें। बाकी 2-4 नंबर इधर उधर तब भी आप दौड़ सकते हैं, ठीक है। 2-4 नंबर पीछे लेके भी आप अपना दौड़ सकते हैं। और वहीं फीमेल की बात करें तो फीमेल में आपके 170 से 175 के बीच में अगर आपके नंबर हैं जनरल तो आप दौड़िए। और वहीं OBC EWS में बात करें 160 से 165 के बीच में, और वहीं OBC में बात करें 163 से 168 के बीच में आपके नंबर हैं तो आप दौड़िए। वहीं SC की बात करें तो आपके 142 से 147 के बीच में नंबर है आप दौड़ना शुरू कर दीजिए। और ST की बात करें 120 से 125 अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं आप दौड़ना शुरू कर दो, क्योंकि दौड़ इतना आसान नहीं, कम से कम आपको 2 से 2.5 महीना लगा, लड़कियों को तो 3-3 महीना लगा। अभी आप दौड़ेंगे आपके पैर के छाले निकल आएंगे, आप चल नहीं पाएंगे, आपको तेल की मालिश करना पड़ेगी, सब चीज़ें करेंगे, डाइट लेंगे अच्छी तभी आप दौड़ पाएंगे। तो दौड़ को इतना आसान मत समझना मेरे भाई, दौड़ में बहुत मेहनत लगती है, अच्छे छट जाते हैं दौड़ में, क्योंकि दौड़ लोग यहाँ पेपर तो निकाल लेते हैं, बहुत लोग दौड़ नहीं पाते, तो सबका सब कुछ नहीं होता, क्योंकि अभी आपके फिजिकल जब आएगी तो उसमें बहुत से लोग हाइट में फेल होंगे, बहुत से लोग अपने डॉक्यूमेंट में बाहर होने वाले हैं, और बहुत से लोग मोटे मोटे हैं जो फिर पढ़ने में अच्छे हैं वो दौड़ नहीं पाते हैं। तो दौड़ इतना सबके लिए आसान है, और दौड़ आपकी अभी सर्दियों में, तो सर्दियों में दौड़ना जानते हैं कितना कठिन होता है, बहुत कुछ चीज़ें विपरीत होने वाली हैं, इसलिए अभी शुरू कर दो, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम में भी दौड़ेंगे तो आपकी दौड़ की प्रैक्टिस हो जाएगी। आप सर्दियों में जब दौड़ की तैयारी करेंगे तो थोड़ा कठिन रहेगा, इसलिए अभी इससे दौड़ की अगर प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको सर्दियों में दिक्कत नहीं होगी। ये मान के चलिए आपका रिजल्ट जब भी आए, रनिंग मान के चलिए दिसंबर में कंपलसरी आपके होना शुरू हो जाएगी, कोई ट्रेनिंग आपकी अप्रैल तक स्टार्ट हो जाएगी। और बाकी अगर आपके कुछ भी डाउट रह गए हैं तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके जवाब दूंगा, जो अगर जवाब देने लायक